गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं वापस से। आपके मोस्ट ऑफ टेस्ट जो है वो हो चुके हैं, मुश्किल से दो या तीन लेक्चर हो रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट क्रॉप्स के, हम पढ़ रहे थे मोस्टली सारे फ्रूट क्रॉप्स के टेस्ट हो चुके हैं। एक आपके सिलेबस में टेस्ट है कोकोनट का, है ना, कोकोनट का ब्लैक, कंप्लीट लिखूंगा पूरा, ब्लैक हेडेड कैटरपिलर, ठीक है। कोकोनट का ब्लैक हेडेड कैटरपिलर एक पेस्ट है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसा कि नाम से ही पता है कैटरपिलर, तो तुरंत दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए कि कैटरपिलर है तो कौन सी जो है वो होगा, यानी कि कौन से ऑर्डर से होगा, तो ये तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। क्योंकि कैटरपिलर मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि कौन से जो है वो उसमें आएगा ऑर्डर में, तो वो लेपिडोप्टेरा में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम है ओपिसिना, ओपिसिना एरेनोसेला, ठीक है। इसके बाद अगर बात करूं मैं इसकी फैमिली की और ऑर्डर की, फैमिली और ऑर्डर की, तो फैमिली इसकी है क्रिप्टोफेजिडी, क्रिप्टोफेजिडी। ऑर्डर इसका जैसे कि कैटरपिलर नाम से ही श्योर हो रहा है कौन सा होगा, लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा। यहाँ पे लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की मैंने आपको कुछ चीज़ें बता रखी है कॉमन, वो क्या क्या होगी कि एक तो कंप्लीट क्या होगा मेटामॉर्फोसिस, लाइफ साइकिल के अंदर चार स्टेज होगी। डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, कैटरपिलर होती है। इसके अलावा बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के क्या होंगे, माउथ पार्ट्स होंगे। ये सारी क्या है कॉमन चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसके नेचर ऑफ डैमेज की, ठीक है, कि ये डैमेज कैसे करता है, ठीक है। नेचर ऑफ डैमेज की, छोटा सा पेस्ट है, ज़्यादा इतना इतिहास नहीं है इसका कुछ। नेचर ऑफ डैमेज के बारे में बात करेंगे कि ये डैमेज पहुंचाता कैसे है। तो सबसे पहली चीज तो इसकी कौन सी स्टेज जो है वो नुकसान पहुंचाती है, कैटरपिलर, है ना, कैटरपिलर नुकसान पहुंचाते हैं। अब ये कैटरपिलर नुकसान पहुंचाते हैं कैसे हैं, तो ये क्या करते हैं कि एक तो सिल्क, है ना, सिल्क यानी कि रेशम जिसको बोलते हैं, सिल्क प्लस फ्रेसेस। अब ये फ्रासेस को आप अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इसको एक्सक्रीट्रा भी बोल सकते हो, जो इंसेक्ट की एक्सक्रीट्रा जो होती है, या फिर बात करें हिंदी में विस्टा जो होती है। ये क्या करते हैं इस सिल्क को, ठीक है, और इस फ्रासेस को मिला के क्या है लीफ के ऊपर क्या है इस प्रकार से गैलरीज बना देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से गैलरीज बना देंगे। और ये गैलरीज बना के ये क्या करते हैं इसको नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये लीफ है ना, तो लीफ के ऊपर इस प्रकार से गैलरीज बना देंगे, इससे क्या होगा कि जगह जगह पे आपको पैचेस दिखाई देते हैं, ठीक है, पैचेस दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं सूखे हुए। ये लीफ क्या होता है, जहाँ जहाँ ये गैलरीज बनाते हैं वहाँ पे क्या होता है, क्या करते हैं ये गैलरीज बनाते हैं, तो जहाँ जहाँ ये गैलरीज बनाते हैं वहाँ वहाँ पर क्या है लीफ जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, लीफ जो है वो बिकम ड्राई, ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आपको जगह जगह लीफ के ऊपर सूखे हुए धब्बे दिखाई देंगे, आपको ऐसा लगेगा जैसे लीफ जो है वो कुछ कुछ जगह से क्या है सूख गई हो, ड्राई हो गई हो, इस प्रकार से दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये क्या इसका नॉर्मल सा सॉरी जो है वो नेचर ऑफ डैमेज है। इसके बाद बात करें तो इसके अलावा और कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर हैवी डैमेज हो जाए तो लीफ जो है वो शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि लीफ जो है वो झड़ने लगती है। इसके अलावा अब बात करेंगे हम इसके लाइफ साइकिल की, ठीक है, लाइफ साइकिल की, लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो लाइफ साइकिल के अंदर मैंने आपको एक दो चीज़ें बता रखी है क्या होगा। एक तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही क्या है कि चार स्टेज होगी, है ना, लाइफ साइकिल के अंदर, तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो गया। इसके अलावा अगर बात करें हम एक एक स्टेज की बात करें तो फर्स्ट होती है एग, एग स्टेज, है ना, एग जो इसके दिए जाते हैं, है ना, एग होते हैं इसके जो लीफ के ऊपर पुरानी जो ओल्ड गैलरीज जो होती है ना,
ओल्ड गैलरीज जो बना रखी होती है, पुराने जो जितने भी कैटरपिलर्स वगैरह है उनके पास में, ठीक है नियर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो उनके पास में, उन गैलरीज के पास में लीफ के ऊपर, ठीक है लीफ सरफेस के ऊपर कहाँ पे, अपर वाले यानी कि जो टॉप वाला पोर्शन होता है, ठीक है टॉप पोर्शन यानी कि पत्ती का जो अगले वाला भाग होता है, वहाँ पर इन ओल्ड गैलरीज के पास में, ठीक है इन ओल्ड गैलरीज के पास में दिए जाते हैं एग्स, और एक फीमेल के द्वारा लाइफ साइकिल के अंदर लगभग 180 एग्स दिए जाते हैं, ठीक है। प्लस अगर हम मैं बात करूँ कलर की, तो लगभग ये क्या है क्रीमी वाइट कलर होता है इसका, एग्स का क्रीमी वाइट कलर। एग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रीमी वाइट कलर के होते हैं, और इसका जो टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं तो 5 विद इन 5 डेज यानी कि 5 दिन के अंदर अंदर क्या होता है एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं, और एग्स हैचिंग होने के बाद इनसे क्या है जो है कैटरपिलर बाहर निकल के आता है, तो नॉर्मल सा है एग का। तो सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो वो है कैटरपिलर, ठीक है कैटरपिलर, कैटरपिलर स्टेज जो है कैटरपिलर बाहर आने के बाद अगर मैं बात करूं साइज़ की, तो लगभग 15 mm जो है इनका साइज़ होता है, ठीक है 15 mm के आसपास साइज़ होता है, और लाइफ साइकिल के अंदर 5 मोल्टिंग्स होती है, टोटल क्या है 5 मोल्टिंग होती है, और ये लगभग 40 to 42 डेज की क्या है जो है फेज होती है। इसके अलावा अगर बात करें इसके आइडेंटिफिकेशन की, तो इसका कलर जो है स्टार्टिंग में तो होता है येलो वाइट, स्टार्टिंग में तो क्या है येलो वाइट यानी कि पीला कलर होता है सफ़ेद, यानी कि पूरा येलो भी नहीं होता, येलोइश वाइट कह सकते हैं, येलोइश वाइट कलर होता है। उसके बाद क्या है जो कलर है वो ग्रीनिश ग्रीन, येलो ग्रीन हो जाता है, ठीक है येलो ग्रीन यानी कि ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन भी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर चेंज होता है और बाद में ये क्या है लाइट ग्रीन कलर हो जाता है इसका, जब फुली मैच्योर होता है तब इसका कलर जो है वो लाइट ग्रीन हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है इसका कलर चेंज होता है, 5 मोल्टिंग होती है, लगभग 15 mm के आसपास साइज होता है, 40 to 42 डेज की ये फेज होती है, इस प्रकार क्या है इसका जो कलर चेंज होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है डैमेज का, मैंने आपको बता ही दिया पहले से कि कैटरपिलर स्टेज नुकसान पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, है ना कि ये क्या करते हैं गैलरीज बनाते हैं ना, गैलरीज बना के किस किस से, फ्रासेस से और जो सिल्क होती है उससे। उसके बाद बात करें थर्ड जो स्टेज है वो है प्यूपा, ठीक है। अब ये जो प्यूपा जो बनता है ना ये कहाँ बनता है, गैलरीज के अंदर ही बनता है, जो गैलरीज इनके द्वारा बनाई जाती है कैटरपिलर के द्वारा विद इन गैलरीज, गैलरीज के अंदर ही जो है वो क्या है इनका प्यूपा बनता है। और इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं, टाइम पीरियड की बात करूं तो लगभग 12 दिन मान के चलो 12 डेज का टाइम होता है, 12 डेज के अंदर क्या है प्यूपा से बाद में क्या होता है, ये 12 डेज की स्टेज होती है, इसके बाद इससे एडल्ट बाहर निकल के आता है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ है नहीं, अगर और बात करूँ तो ये क्या है नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि इसके आर पार जो है मोस्टली क्या होता है प्यूपा लगभग ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन ये क्या नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर कुछ नहीं दिखता है। कलर की बात करें तो डल कलर का होता है, ठीक है डल कलर का। इसके अलावा जो हमने कैटरपिलर पढ़ा था इसके अंदर एक और ध्यान रख लेना, इसका जो हेड होता है जैसा कि नाम से ही पता होगा ब्लैक हेडेड कैटरपिलर देख रहेगा ना, इसका मतलब क्या हेड जो होता है वो डार्क जो है ब्राउन या फिर क्या है ब्लैक होता है, हेड जो हेड कैसा होगा इसका ब्लैक, ये इसके पहचानने के लक्षण हैं। फिर ये हो गया प्यूपा, इसके अलावा कुछ खास है नहीं प्यूपा के अंदर, ठीक है। प्यूपा एक डोरमेंट स्टेज होती है बीच की, जो क्या है कैटरपिलर को एडल्ट में बदलने से पहले जो है बीच की स्टेज होती है। फिर है लास्ट अगर मैं बात करूँ एडल्ट की, सॉरी एडल्ट फाइनल जो स्टेज है वो है एडल्ट यानी कि प्रौढ़, प्रौढ़ जो है वो अवस्था। तो प्रौढ़ अवस्था की अगर मैं बात करूं तो इसका साइज 10 to 15 mm ही होता है, ठीक है। लेकिन जो विंग्स जो होते हैं इसके, है ना विंग्स, उनका स्प्रेड यानी कि पंखों का फैलाव जो है वो होता है लगभग 25 mm के आसपास, 25 mm के आसपास होता है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कलर की, है ना, तो इसका कलर क्या है, येलोइश ब्राउन होता है, ठीक है, येलोइश ब्राउन होता है। विंग्स की बात करें तो विंग्स भी क्या है, लाइट येलो या ब्राउन कलर की होती है। इसके अलावा एडल्ट हो गया, एडल्ट डैमेज तो करता नहीं है, तो इसके अलावा और कुछ इतना ध्यान में रखने की भी आवश्यकता नहीं है ना। एक मिनट भी आता हूँ मैं अभी। हाँ जी सॉरी, वो थोड़ा काम था। हाँ तो ये मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें ध्यान रखने लायक। अगर इसके अलावा हम बात करें तो जो मेल जो होगा, है ना, मेल जो एडल्ट होगा वो क्या है, स्मॉल होता है, छोटा होता है, किससे, फीमेल से, यानी कि फीमेल्स जो है वो बड़ी होती है। इसके अलावा विंग्स जो है वो कैसे होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, विंग्स जो है वो भी येलोइश कलर की होती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाइंड विंग जो है, इसकी हाइंड विंग्स जो होती है उन पे क्या होते हैं, जो बेस होता है, आधार वाला जो भाग होता है विंग का, वहाँ पे क्या है, बंच ऑफ हेयर्स यानी कि बालों का गुच्छा पाया जाता है एक, जो ठीक है, बालों का गुच्छा होता है जो बेस वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, विंग का। इसके अलावा इसमें कुछ और है नहीं ध्यान रखने लायक। हाँ, अटैक की बात करें तो इसका अटैक जो होता है वो गोधूली बिला, आपने नाम सुना होगा, एक गोधूली सुना है, गोधूली किसको बोलते हैं, शाम को जो 7 लगभग 6:30 7 बजे का जो टाइम होता है ना उसको बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं, मैंने आपको शायद बता भी रखा होगा पहले भी कि इसको टर्म तो इस हिसाब से दी गई है कि जब गाय वगैरह को चलाने पहले चराना जाते थे ना इधर बाहर, तो उसके बाद जब वापस गांव में लौटते थे तो उनकी वजह से क्या है, वहाँ पे इन जो है गौओं की वजह से वहाँ पे क्या है, धूल हो जाती थी, तो उस टाइम को क्या है, नाम दिया गया है गोधूली बेला ना। तो इस टाइम पे क्या है, इनका डैमेज स्टार्ट होता है, इस टाइम इनका अटैक स्टार्ट होता है फील्ड के अंदर। और बात करूँ तो नाइट के समय यानी कि रात के समय इनका अटैक होता है, पर एक चीज़ हो रहा है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो कीड़े रात को नुकसान पहुंचाते हैं ना वो नाइट लवर्स, सॉरी लाइट लवर्स होते हैं, कहने का मतलब हम लाइट ट्रैप वगैरह लगा के उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये लाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना भी, लाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए इनको क्या है, हम लाइट ट्रैप वगैरह की सहायता से तो इसको हम पकड़ नहीं सकते भाई, ठीक है। बस यही है इसका लाइफ साइकिल, और इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं। हाँ, अगर एडल्ट की बात करूँ मैं टाइम पीरियड की, तो ये लगभग 1 से 2 दिन का होता है, ठीक है, 1 से 2 दिन का। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइफ साइकिल को डायग्राम में आप शो करना चाहते हो, ठीक है, तो एग, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका लार्वा, लार्वा या कैटरपिलर एक ही बात अभी, है ना, प्यूपा एंड एडल्ट, ठीक है। तो टाइम मैंने आपको इनका बता ही दिया है, एग के लगभग 5 डेज होते हैं, 5 डेज के बाद क्या है, ये लार्वा या कैटरपिलर में बदलता है, दोनों ही लिख लेना भाई, कंफ्यूज मत होना इसमें। इसके अलावा अगर कैटरपिलर की बात करूँ तो ये 40 to 42 डेज का टाइम होता है, और प्यूपा की अगर बात करूँ तो ये 5 डेज, ठीक है, 5 दिन बाद लगभग एडल्ट बन जाता है, और एडल्ट से 1 to 2 डेज, 1 से 2 दिन के बाद क्या है, वापस साइकिलिंग स्टार्ट हो जाती है, और इनका लाइफ साइकिल जो है इस प्रकार से चलता रहता है। टोटल लाइफ साइकिल जो होता है इसका वो 55 to 61 डेज मान के चलो आप, ये होता है। और बाकी आपको ये तो पता ही है कि कंप्लीट क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, तभी तो 4 स्टेज पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ है नहीं भी इतना ध्यान में रखने वाला। और इसके अलावा अब अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की, ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि हमें डिस्ट्रॉय लीफलेट्स, लीफलेट्स कौन सी जो अफेक्टेड है, यानी कि अफेक्टेड जो लीव्स होगी जिनके ऊपर आपको फ्रासेस या फिर जो सिल्क की गैलरीज दिखाई दे तो उनको हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले काम तो ये करना चाहिए। उसके बाद बात करें तो इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है, एक आपने सुना होगा दवा का नाम मोनोक्रोटोफोस, है ना। तो इस मोनोक्रोटोफोस की 10 ml मात्रा प्लस 10 ml वाटर, इसको क्या करते हैं, इसका मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, इसका मिक्सचर बना के और इससे क्या करते हैं, रूट्स को ट्रीटमेंट करते हैं। रूट्स ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, यानी कि ज़मीन में थोड़ा सा खोद के उसके अंदर क्या है, ये घोल डाल देते हैं रूट्स के पास। इससे क्या होता है, जड़ें उपचारित होती है और इस पेस्ट का जो कंट्रोल है वो हम कर सकते हैं कुछ हद तक जो है, यानी कि मैनेजमेंट होता है इसका, जो अटैक होता है वो कम होता है इससे। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो कार्बरिल डस्ट को भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कार्बरिल डस्ट इसको भी यूज़ करते हैं इसके मैनेजमेंट के लिए। नेचुरल एनिमीज़ की बात करें, नेचुरल एनिमीज़ की, तो नेचुरल एनिमीज़ में हम क्या करते हैं, ब्रैकोनिड मेनली क्या है, ब्रैकोनिड्स को यूज़ लेते हैं। ब्रैकोनिडी फैमिली होती है एक जो, ठीक है, इस ब्रैकोनिडी फैमिली हाइमनोप्टेरा में, तो इस ब्रैकोनिडी फैमिली के जो पेस्ट होते हैं, सॉरी इंसेक्ट होते हैं, उनको यूज़ लेते हैं एज ए पेरास्टोइड। वो क्या करते हैं, इसके ऊपर पेरास्टोइड के रूप में रहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या है, मैनेज करने में वो क्या है, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा तो कुछ है इसका लिख लेना भाई, है ना, 50 WP वेटेबल पाउडर आता है ना कार्बेरिल का। इसके अलावा एक दवा और लिख लेना जो है क्लोरोपाइरीफोस, क्लोरोपाइरीफोस की 20 EC मात्रा जो है, इसको 20 EC जो है स्ट्रेंथ काम में लेते हैं, 2.5 लीटर एट दी रेट 2.5 लीटर दवा जो है काम में लेते हैं, लगभग 650 लीटर वाटर के अंदर। ठीक है, पर हेक्टर के हिसाब से ये क्या है, हम छिड़काव करते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट है, इतना कुछ खास है नहीं, बाकी पढ़ लेना भी यार इस पेस्ट को, क्योंकि एग्ज़ाम में आ जाता है ना कई बार। ओके, क्योंकि कोकोनट का मेनली क्या है कि कोकोनट का आपके सिलेबस में एक ही पेस्ट है तो पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको पढ़ लेना भी अच्छे से, और इसके बाद मुश्किल से आपकी 2 क्लासें और होगी तो उसमें जो है कम्प्लीट हो जाएगा आपका सारा कोर्स जो है। ठीक है, ओके, धन्यवाद।